हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर के बारे में। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में कंपनी पॉजिटिव रिटर्न दिया है और ये शेयर दोस्तों लो लगाया था करीबन 8 साढ़े 8 रुपये, 43 रुपये करके लिस्टिंग हुआ था 2004 में और हाई लगाया था करीबन 92 रुपये। क्या इस शेयर को बाय करना चाहिए, हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहेगा बाय करेंगे नहीं दोस्तों अवॉइड करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखोगे ईयर वाइज डाटा तो रेवेन्यू ग्रोथ, नेटवर्क ग्रोथ और प्रॉफिट यहाँ पर ग्रोथ हुआ है जो कि अच्छा बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर रखा है 79, डोमेस्टिक वाले 10%, रिटेल इन्वेस्टर 7.5%, माल रखा है। कंपनी का फुल डिटेल्स देखोगे बीएससी और एनएससी दोनों में मिल जाएगा। 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पीटी के बुक वैल्यू से वाला हाईली देख सकते हो, डिविडेंड देता है और पॉजिटिव फेस वैल्यू 10 का है। कर्जा ज्यादा है, रिजर्व रखा है, एसेट रखा है, वॉल्यूम टीटा फ्री कैश रखा है। अर्निंग पर शेयर नहीं, अर्निंग पर शेयर यहाँ पर आप देखोगे पॉजिटिव है, नेटवर्क पॉजिटिव है, 6 महीने में अच्छा रिटर्न दिया है, 6 महीने में अच्छा रिटर्न नहीं दिया है लेकिन सेल्फ ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो मिनिमम अमाउंट डालकर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे कंपनी हम लोग को अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों।